हेलो एवरीवन वेलकम बैक ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन मेमोरी इंटरफेसिंग विद एटी सिक्स एंड उसका डिज़ाइन सो so यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हमने एज्यूम किया है कि अगर हमें वन ट्वेंटी एट के बी रोम कनेक्ट करना है और हमारे पास यहाँ पे जो चिप्स अवेलेबल है वो थर्टी टू के बी के तीन मेजर स्टेप्स है सबसे पहला है एड्रेस कैलकुलेशन उसमें तीन छोटे छोटे फार्मूलाज हम इनिशियली यूज़ करने वाले हैं सबसे पहला है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ चिप्स तो, तो यहाँ पे उसका फार्मूला है रिक्वायर्ड मेमोरी डिवाइडेड बाय अवेलेबल चिप साइज तो रिक्वायर्ड मेमोरी है हमारे पास वन ट्वेंटी एट के बी का और चिप साइज जो अवेलेबल है वो है थर्टी टू के बी यानी ओवरऑल हमको चाहिए रहेंगे फोर चिप्स ऑफ थर्टी टू के बी अब इसमें सेट्स बनेंगे ऑड एंड इवन मेमोरी के तो नंबर ऑफ सेट का फार्मूला है नंबर ऑफ चिप्स विच इज़ फोर डिवाइडेड बाई टू यानी ओवरऑल दो सेट बनने वाला है रोम का सेट वन और सेट टू एंड सेट का साइज़ क्या होगा तो सेट का साइज में एक सेट में दो चिप्स आता है तो इट विल बी टू टाइम्स द चिप साइज यानी इट विल बी टू इंटू थर्टी टू के बी विच इज़ सिक्सटी फोर के बी और इसको अगर मैं पावर ऑफ टू में लिखूं तो सिक्सटी फ़ोर इज़ टू रेज टू सिक्स और किलो इज़ टू रेज टू टेन तो ये हो जाएगा टू रेज टू सिक्सटीन बाइट्स अब इसको हमें एक्सा डिसम में कन्वर्ट करना है आप कैलसे से भी कर सकते हो टू रेस्ट टू सिक्सटीन डेसिमल नंबर है इसको आप एक डेसेम में कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरा शॉर्टर जो मेथड है हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग के सिक्सटीन बिट एल साइड के सिक्सटीन बिट को हम वन कर देंगे और बाकी को ज़ीरोज़ कर देंगे ट्वेंटी बिट एड्रेसिंग में हम यहाँ पे सिक्सटीन बिट को वन कर लिए और बचे हुए चार बिट को हम जीरोज़ कर रहे तो इसका एक्सा डेसिमल क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो और बाकी बचे हुए जो है वो हो जाएगा एफ़ सेट साइज़ हमको मिल गया ज़ीरो फोर टाइम्स एफ नाउ बिफोर गोइंग अहेड विद एड्रेस कैलकुलेशन लेट अस क्विकली रिकॉल कि अगर हमारा जो ट्वेंटी बिट एड्रेस है जहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस है फाइव टाइम्स ज़ीरो से लेके लास्ट एड्रेस होता है फाइव टाइम्स एफ़ हमने बात किया था कि स्टार्टिंग के एड्रेसेस रैम को एलोकेट होते और लास्ट वाले जो एड्रेसेस है वो रोम को एलोकेट होते हैं। तो हमारा जो एंडिंग एड्रेस होने वाला है वो रोम का होगा फाइव टाइम्स एफ़ और हमको उसके स्टार्टिंग एड्रेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे दोनों सेट के स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेसेस तो बेसिकली रोम के दो सेट हमारे पास यहाँ पे बनने वाले अस गो हेड विद दी फार्मूला हमने ये पहले भी यूज़ किया था हमें चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस सो स्टार्टिंग एड्रेस इज एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज़ अब एंडिंग एड्रेस तो हमको मिल गया है पाई टाइम्स एफ़ अब इसमें अगर आप एक सेट साइज़ ले लोगे तो आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा ये सेट टू का और अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए सेट वन का तो आपको पूरा रोम का साइज़ लेना पड़ेगा तो आप दोनों मेथड से जा सकते हैं कोई भी मेथड जो आपको सूटेबल है पहले हमने किया था कि हम डायरेक्टली पहले एकदम स्टार्ट में चले जाएंगे पहले सेट का स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे बट ये वाले एग्जाम्पल में वील गो विद सेकेंड अप्रोच हम यहाँ पे एक एक सेट ऊपर जाएंगे पहले हम सेट टू का स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे सो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेट टू के लिए एंडिंग एड्रेस ऑफ सेट टू आ जाएगा माइनस सेट साइज तो सेट साइज़ है हमारे पास ज़ीरो फोर टाइम्स एफ़ तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग एड्रेस एस एफ फोर टाइम्स ज़ीरो सेट टू का एंडिंग एड्रेस था फाइव टाइम्स एफ़ और इसका हमको स्टार्टिंग मिल गया एफ फोर ज़ीरो एच तो अब हमें क्या चाहिए एंडिंग एड्रेस चाहिए ये सेट वन का अब सेट वन के जस्ट बाद सेट टू चालू हो रहा है तो सेट वन का जो एंडिंग एड्रेस होगा इट विल बी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेट टू माइनस वन क्योंकि सेट टू जहाँ से चालू हो रहा है उसके जस्ट एक एड्रेस पहले सेट वन ख़त्म हुआ था तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमको मिला था एफ़ फोर टाइम्स ज़ीरो इसमें से वन हम माइनस कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा ई फोर टाइम्स एफ अब ये आप कैल्स में कर सकते एंड फाइनली दी लास्ट पार्ट जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे स्टार्टिंग एड्रेस वी आर लेफ्ट विद स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेट वन स्टार्टिंग एड्रेस के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा सो इट विल बी एंडिंग एड्रेस ऑफ सेट वन माइनस दी सेट साइज एंडिंग एड्रेस है हमारे पास ई फोर टाइम्स एफ माइनस जीरो फोर टाइम्स एफ तो ये बन जाएगा ई e फोर टाइम्स जीरो एच सेट वन का स्टार्टिंग एड्रेस हो गया ई फोर टाइम्स जीरो एच और एंडिंग एड्रेस हो गया ई फोर टाइम्स एफ एच अब इन्हीं एड्रेसेस को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते सेकेंड स्टेप में मेमोरी मैपिंग के स्टेप में सो so, रोम का सेट वन जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमने कैलकुलेट किया ई फोर टाइम्स जीरो एच और एंडिंग एड्रेस जो था ई फोर टाइम्स एफ़ है वो डेफ़िनेटली ऑड बैंक का एंडिंग एड्रेस है हमें पता है कि इवन बैंक ऑड बैंक में ऑल्टरनेट एड्रेस दिया होता है तो इवन बैंक का अगर पहला एड्रेस है ई फोर टाइम्स जीरो तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ऑड विल भी उससे एक ज़्यादा सिमिलरली एंडिंग एड्रेस ऑड का है ई फोर टाइम्स एफ़ तो इवन का एंडिंग एड्रेस उससे एक कम रहेगा यानी एफ 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 ई e. सिमिलरली सेट टू के लिए स्टार्टिंग एड्रेस है एफ फोर टाइम्स जीरो एच एंडिंग एड्रेस है फाइव टाइम्स एफ अब इससे एक कम हो जाएगा इसका एंडिंग एड्रेस इवन बैंक का और स्टार्टिंग एड्रेस ऑड का इवन के हिसाब से एक ज़्यादा हो जाएगा यानी एफ ट्रिपल ज़ीरो वन एच अब इसको हम क्विकली बाइनरी में लिख देते हैं नाउ लेटर्स क्विकली अंडरस्टैंड कि ये एड्रेस लाइन्स कैसा यूज होने वाला है अब सबसे पहला जो ए ज़ीरो है अलॉन्ग विद बी एच ई ये बैंकिंग के लिए यूज होगा उसके बाद में हमें पता है कि हमारा जो चिप है वो थर्टी टू के बी का है इसके बाद हमें पता है कि ये जो चिप है वो थर्टी टू के बी का है सो थर्टी टू के बी को अगर हम पावर ऑफ टू में लिखे तो वो टू रेज टू फिफ्टीन बाइट्स हो जाएगा इसका क्या मतलब है कि जितने भी चिप्स हम यूज़ कर रहे हैं थर्टी टू के बी वाले इन सब के पास खाली फिफ्टीन एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड है और ए ज़ीरो हम ऑलरेडी बैंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद बी एच ई सो जो चिप्स हम यूज़ करने वाले थर्टी टू के बी के उनको हम ए वन से लेके ए फिफ्टीन वाले एड्रेस लाइंस देने वाले और लास्ट में हमें डिसाइड करना है डिकोडिंग के लिए तीन लाइन तो डिकोडिंग के लिए तीन लाइन हमें बट ऑब्वियस दिख रहा है कि सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये तीनों को हम डिकोडिंग के लिए यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो वन, वन ये वैल्यू है फॉर सेट वन ऑफ फ्रॉम और सेट टू के लिए जो वैल्यू है वो क्या है ट्रिपल वन जिनको डिकोडिंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं तो हमने दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी किया हुआ है प्लीज़ गो थ्रू इट अब यहाँ पे एक एड्रेस लाइन बच जा रहा है विच इज ए नाइनटीन तो उसको हम कहीं पे इंटीग्रेट कर लेंगे लेट अस क्विकली गो थ्रू दिस इंटरफेसिंग वाला पार्ट तो हमारे पास यहाँ पे चार चिप है ये सेट वन के चिप्स हो जाएंगे रोंग के ये दोनों लोअर बैंक और हायर बैंक और ये नीचे के दो चिप्स है ये सेट टू के रोंग के चिप्स हो जाएंगे हम यहाँ पे ए बी सी जो हमारा डिकोडर है थ्री टू एट डिकोडर इसमें ए सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन ये इनपुट दे रहे हैं और हमने देखा था कि जब इनकी वैल्यू वन वन ज़ीरो है तो सेट वन एनेबल होना चाहिए यानी वन वन जीरो मतलब वाई सिक्स तो हम वाई सिक्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और वन 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 यानी सेवन वाई सेवन एनेबल हो जाएगा एक्टिव लो है ये सब सो जितने भी चिप्स हैं उनको इनेबल करने के लिए हमें चिप सिलेक्ट सिग्नल देना पड़ता है हमने यहाँ पे देखा है कि पैरल डेटा लाइंस बने हुए डी ज़ीरो से डी सेवन और ये लोअर बैंक हो गया जो कनेक्ट होएगा यहाँ पे एंड हायर बैंकिज डी एट से लेके डी फिफ्टीन लेकिन इंटरनली वो अभी भी डी जीरो से डी सेवन ही कहलाते एड्रेस लाइंस भी हमने बोला था कि हम यहाँ पे फिफ्टीन एड्रेस लाइंस देने वाले ए A1 वन से ए फिफ्टीन बट इंटरनली वो एरो से ए फोर्टीन ही कहलाएंगे अब ये रॉम है तो इनको हम रीड सिग्नल भी दे देते दे आउटपुट एनेबल पिंस पे और हम लोग बी एच ई और ए नॉट यूज़ कर लेते बी एच ई इज़ सिग्नल गिवन टू एनेबल हायर बस और ए नॉट यूज़ करते हैं लोअर बस को इनेबल करने के लिए सो so, इसको हम यूजिंग और गेट देने वाला है सो so, जब बी एच ई भी लो रहेगा एंड जब ए सिक्सटीन सेवनटीन एटीन में वन वन ज़ीरो आएगा तो वाई सिक्स ज़ीरो होगा बी एच ई भी जीरो होगा तो ये हायर चिप इनेबल होगा एंड इफ़ ए नॉट बी ज़ीरो है और वाई सिक्स बी ज़ीरो है तो लोअर बैंक एनेबल होगा सिमिलरली नीचे वाले सेट्स में भी बना देते हैं अब इसमें लास्ट पार्ट जो बच गया है कि हमने सारे लाइंस यूज़ नहीं किए अभी भी एक लाइन रह गया यूज़ करने के लिए एंड दैट इज़ ए नाइनटीन और ए नाइनटीन हमने देखा था कि दोनों केसेस के लिए उसकी वैल्यू क्या थी वन थी और हमें पता है कि ये जो सेवन फोर वन थ्री एट है इसमें एक वी सी सी पिन होता है और दो ग्राउंड पिन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ए नाइनटीन वाला पिन है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं वी को तो जब भी वो वन होगा तभी ये डिकोडर इनेबल होएगा फिर बाद में ए सिक्सटीन से एटीन जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंगली वाई सिक्स वाई सेवन एनेबल होगा बी एच ई ए नॉट के हिसाब से पर्टिकुलर चिप्स इनेबल होंगे सो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस या फिर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल और गेट यूज़ करके उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं सो so ये और गेट में ए नाइनटीन तो वन है तो यहाँ पे हम एक इन्वर्टर लगा देते सो ए नाइनटीन वन है और यहाँ पे इनपुट क्या जाएगा ज़ीरो जाएगा सो वाई सिक्स जीरो है ए नाइनटीन वन रहेगा तो वो इन्वर्ट होके ज़ीरो देगा देन बी एच सी ए नॉट जो भी जीरो है अकॉर्डिंगली वो बस वो पर्टिकुलर मेमोरी बैंक एनेबल होगा सिमिलरली नीचे वाले में भी वैसे ही कर देते ए नाइनटीन को कनेक्ट कर दिया विथ इन्वर्टर अगर वन है तो विथ इन्वर्टर लगाओ अगर जीरो है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो जैसा हमने पिछले के सम्स में भी देखा है आई होप अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है मेमोरी इंटरफेसिंग का स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट तो प्लीज़ लेटस्ट नो इन दी कॉमेंट्स थैंक यू वेरी मच